आइए शुरू करते आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है। पहला ऑप्शन पंचमे तो गलत है, दूसरा ऑप्शन खष्टम ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सप्तम ये भी गलत है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा अष्टम अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है, पहला ऑप्शन केवल नाक से ये तो गलत है, दूसरा ऑप्शन मुंह से ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, नाक और मुंह दोनों से प्रयोग होता है अनुनासिक शब्द का प्रयोग। तीसरा प्रश्न, सत धन चरित बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, पहला ऑप्शन स्वर संधि ये तो गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन दिया है विसर्ग संधि ये तो गलत है, चौथा ऑप्शन दिया दीर्घ संधि ये भी गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा व्यंजन संधि, सच्चरित में व्यंजन संधि है। चौथा प्रश्न, प्रति उत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, पहला ऑप्शन प्र उपसर्ग ये तो गलत है, दूसरा ऑप्शन प्रति, तीसरा ऑप्शन प्रतियुत, चौथा ऑप्शन प्रयुक्त, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा प्रति, प्रति उत्पन्न मति में प्रति उपसर्ग है। पांचवा प्रश्न, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग है, पहला ऑप्शन कृदंत, दूसरा ऑप्शन तद्दीत, तीसरा ऑप्शन देशत, चौथा ऑप्शन विदेशत, तो इसे पहला ऑप्शन सही होगा कृदंत प्रत्यय, पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, पहला ऑप्शन उद्गम, दूसरा ऑप्शन खेत, तीसरा ऑप्शन कोड, चौथा ऑप्शन अजीब, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा उद्गम, उद्गम में तत्सम शब्द है और खेद तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र, कोट भी तद्भव है, अजीब भी तद्भव है। सातवां प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है, पहला ऑप्शन रूढ़, दूसरा ऑप्शन योगी, तीसरा ऑप्शन योग रूढ़, चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा रूढ़ शब्द, कमल में रूढ़ यौगिक शब्द है। आठवां प्रश्न, सुरभि का परिवाची शब्द है, पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन भैंस, तीसरा ऑप्शन हरिण, चौथा ऑप्शन सिंह, तो सुरभि का परिवाची होता है गाय, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, पहला ऑप्शन भाषा, दूसरा ऑप्शन लिपि ये तो गलत है, तीसरा ऑप्शन वर्ण ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन दिया है व्यंजन, व्यंजन भी गलत है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा भाषा, व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती है उसे व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा भाषा। दसवां प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, पहला ऑप्शन सौर सेनी, दूसरा ऑप्शन अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन मागधी, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्री, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है, इसका पहला ऑप्शन सही है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है और अर्धमागधी हिंदी से पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सब पहला ऑप्शन सही होगा सौर सेनी अपभ्रंश। ग्यारहवां प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का अर्थ है न जानने वाला, पहला ऑप्शन ये तो गलत है, दूसरा ऑप्शन जानने वाला, तीसरा ऑप्शन कम जानने वाला, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा जानने वाला। बारहवां प्रश्न, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह कैसा वाक्य, पहला ऑप्शन सरल वाक्य
ये तो गलत है। दूसरा संयुक्त वाक्य ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया मिश्र वाक्य। चौथा ऑप्शन दिया कोई नहीं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा मिश्र वाक्य। तेरहवां प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है प्रेम। पहला ऑप्शन दिया प्रेम, दूसरा ऑप्शन दिया है हास, हास रस, हास्य रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, और शांत रस का अस्थाई भाव शोक। इसका पहला ऑप्शन सही होगा प्रेम। चौदहवां प्रश्न, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन विद्यापति, दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन चंद बरदाई, चौथा ऑप्शन हेमचंद। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को ही कहा जाता है। इनकी एक रचना है पदावली, और इनकी दूसरी रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता। पंद्रहवां प्रश्न, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार का काल की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा ऑप्शन भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन रीति काल, चौथा ऑप्शन भारतेंदु युग। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा रीति काल। रीति काल को ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। सोलहवां प्रश्न, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, दूसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा अयोध्या सिंह हरिओत को कहा जाता है कवि सम्राट। सत्रहवां प्रश्न, अनामिका काव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, ये तो गलत है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा अनामिका के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी है सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव और महादेवी वर्मा को यामा इनकी रचना है। अठारहवां प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन निराला। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।